हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लाए हैं कुछ शिमला मिर्च से बना हुआ, जो कि बहुत ही टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो आइए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे कैप्सिकम लिया है जो 1 kg है। इसमें से एक दो कैप्सिकम जो है ये कई दिन से रखा था, तो एक दो कैप्सिकम हमने यूज़ नहीं किए क्योंकि वो जो हो गई थी ख़राब। तो यहाँ पे 1 kg कैप्सिकम लिया था जिसमें से 2-3 ख़राब हो गई है। जनरली कुछ लोग अमाउंट पूछते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है, और आप चाहें तो इसको और बारीक भी कर सकते हैं, मतलब और थिनली स्लाइस्ड भी कर सकते हैं, बट मेरे लिए ये ठीक है। मैं इस तरह से इसको बारीक करके चॉप कर रही हूँ। ये रेसिपी मैंने जो बनाई है वो मैं 2 तरह से बनाती हूँ, जिसकी दूसरी रेसिपी भी मैं आपको जल्दी ही शेयर करूँगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया 1/2 kg पनीर, और इसको इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। ये जल्दी चॉप हो जाता है इस तरह से, तो इस तरह से मैंने इसको चॉप कर लिया। और पीसेस भी जो है इसके इवन आते हैं, अगर कहीं भी कोई पीसेस लगता है आपको, कहीं थिकनेस ज़्यादा है, तो वो बाद में आप ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पनीर लिया है वो नॉर्मल पनीर है। पैकेट वाला पनीर तो मुझे बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता है, क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा भी नहीं आता है और बहुत ज़्यादा टाइट होता है वो। ये पनीर सॉफ्ट भी है, स्पंजी भी है, बहुत अच्छा। बस ये हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं तैयार हो गए, देखिए कुछ इस तरह से। जिसके लिए हमने प्याज ले लिए, 2 मीडियम साइज़ की चॉप कर लिए। इसमें जो हमने अदरक लिए ना, वो अच्छी क्वांटिटी में ली है। तो अदरक आप देख सकते हैं, ये वाला बोल मैंने भर के लिया है, इससे चॉप अच्छे से कर लिया है। और थिन स्लाइस भी कर सकते हैं या कोट भी सकते हैं, बट मुझे उस तरह से स्लाइस ही पसंद है। और यहाँ पे हमने ले लिया है क्या, लहसुन। अब हमने एक पैन लिया है, उसमें जितना पनीर था हमारा 1/2 kg, उसको हमने भूनने के लिए छोड़ दिया है। और हम इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्च, अगर आप रेड चिली पाउडर यूज़ करते हो वो डालें, मैं येलो करती हूँ, मैंने यहाँ पे वो ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा सॉल्ट आप लास्ट में ऐड करेंगे, अगर आपको ऐसे ही खाना है उसमें से तब सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। एक साइड वो पकता रहेगा, मतलब भुनता रहेगा। अब दूसरी साइड एक पैन लीजिए या कढ़ाई, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, बट मैं आयरन कढ़ाई यूज़ करती हूँ जैसे कि आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे उसमें मस्टर्ड ऑयल मैंने हीट कर लिया है, जिसमें कि लिया है मैंने 1 teaspoon ज़ीरा, और यहाँ पे 2 करीब आपके जो आपकी बे लीव्स आती है तेज पत्ता वो लिया है। और यहाँ पे हमने इलायची लिए बड़ी वाली, दालचीनी के 2 स्टिक्स लिए, और ये जूलियंस जो थे हमारे अदरक के वो हमने इस तरह से कट किए वो, और हमने लहसुन को इसमें ऐड कर दिया। इसको हम पहले भूनेंगे, हमने इसको प्याज के साथ नहीं भूनना, इसको थोड़ा सा हम पहले भूनेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लेता है और अच्छे से भूनने में फ्लेवर आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पहले भूनना है। ये भून चुका है। आपने जो प्याज है, इसमें मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी कि प्याज आपको जो है वो आपको या तो बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करनी है, ऐसा नहीं है, ना ही उसको आपको पीसना है। तो यहाँ पे आप जितना हो सके थिक स्लाइस ऑफ प्याज लेने हैं, मतलब थिक स्लाइस ऑफ अनियन यहाँ पे आपको लेना है। जितना मैंने ये पीसेस अनियन के यहाँ पे आपको दिखाए हैं वैसे कट के, अब इसे थोड़ा थिक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको और अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो है, अब हमने जो हमारी प्याज जो है हमने ऐड कर दी है, क्योंकि अदरक भुन चुकी है, लहसुन भी भुन चुका है, इसको हमने ऐड कर दिया। इसको भी थोड़ा भूनने के लिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब दूसरी साइड आपको पता ही है, पनीर हमने पकने के लिए छोड़ा है, तो उसको हम जो है बीच बीच में थोड़ा सा पलटते रहेंगे ताकि एक तरफ से वो जले नहीं। कभी कभी ऐसा होता है पनीर क्रिस्प हो जाता है, इसीलिए आपको उसको चेक करते रहना है। तो पहले फ्राई करके बनाते थे लोग, पर इस बार हम थोड़ा ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमने इसी में धनिया पाउडर, 1 से 2 टीस्पून आप डाल सकते हैं धनिया पाउडर। अब हल्दी 1 चम्मच काफ़ी है, उससे ज़्यादा बढ़ानी है तो आप देख सकते हैं। और मिर्च आप जो डालते हैं वो मिर्च आप यहाँ पे डालिएगा, बट मैंने जो यूज़ किया है ना यहाँ पे, वो हमने काली मिर्च का यूज़ किया क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा आता है, तो ये आपकी रेसिपी को एक अलग ही टेस्ट देगी। इसलिए यहाँ पे हमने नॉर्मल मिर्च का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर हमने काली मिर्च का यूज़ किया। देख लीजिए इस तरह से पनीर हमारे एक तरफ से अच्छे से सिक गए हैं, दूसरी तरफ से भी इस तरह से सिकने के लिए मैं इसको पलट दूँगी। बस आपको अच्छे से चेक करना है, क्योंकि एक तरफ सिक गए तो दोबारा आप सिकेंगे तो ऐसा ना हो कि जल जाए। बस अच्छे से, पहले मैंने बताया ना, जैसे आपने याद होगा बचपन में एक टाइम था, उस टाइम पे जो है फ्राई किया जाता था पनीर, अभी भी करते हैं कुछ लोग फ्राई पनीर, बट ये ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए मैं फ्राई एडवाइस नहीं करती हूँ। आप इसको सौते कर सकते हैं, आपका सौते भी अच्छा ही पनीर की रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया ताकि आपके मसाले अच्छे से पक जाए, पानी मैंने ऐड नहीं किया है इसमें।
क्योंकि हम जो बनाने वाले हैं इसको बिना वाटर ऐड किए बनाने वाले, बिना ही पानी के बनाएंगे इसको स्टीम में सिर्फ, क्योंकि इसमें आपको जो फ्लेवर आएगा वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का तभी आएगा जिसमें वाटर ऐड नहीं करेंगे, स्टीम कुक करेंगे। बस जो हमने थिनली स्लाइस्ड आपकी कैप्सिकम लिया था उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और हम इसको अच्छे से चला लेंगे। ये है घर का पिसा हुआ गरम मसाला जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देगा हमारी रेसिपी को। तो हमने इस टाइम पे इसलिए ऐड किया है कि इसका फ्लेवर जो है हमारी रेसिपी के अंदर बहुत अच्छे से आ जाए। हम जनरली गरम मसाला या तो लास्ट में डालते हैं या ग्रेवी में डाल देते हैं, पर मैं एडवाइज़ करूँगी गरम मसाला आप सब्ज़ी को पकते हुए ही डालें, क्योंकि उसका फ्लेवर जो है अच्छे से हमारी सब्ज़ी के साथ मिक्स हो जाता है तो बहुत टेस्टी आपकी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर हमने कर दिया है, इसको दोबारा चला दिया है और आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है लास्ट में या फिर आप अभी भी कर सकते हो। तो इसी ही सॉल्ट को स्टीम करके आपको ये जो है आपकी कैप्सिकम पक जाएगी, जो मॉइस्चर कंटेंट अच्छे से रिलीज होने लगता है जब आप इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं किसी भी रेसिपी में। तो या तो आप कवर कर सकते या फिर आप बिना कवर करे इसको बना सकते। यहाँ पे जो मैंने ऐड किया है वो है अमचूर पाउडर, जो कि मैंने 1 स्पून अमचूर पाउडर लिया है। आपको थोड़ा खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन और था वो मैंने आपको यहाँ पे दिया नहीं है, क्योंकि टमाटर है बहुत महंगे और जनरली यहाँ पर जो कॉस्ट चल रही है वो है 200। तो बहुत हर सब्ज़ी में आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना टमाटर के आप आराम से बना सकते हैं, पर टमाटर के साथ भी इसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो टमाटर अगर आप ऐड करते हैं तो इसी तरह से स्लाइस आपको कर लें जिस तरह से यहाँ पे आपकी कैप्सिकम है, और उसको भूनना नहीं है आपको, इसी तरह से इसमें ऐड करना है ताकि वो भी पक जाए और ये भी पक जाए, फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए, क्योंकि सॉगी हो जाती है अदरवाइज़ आपकी रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से अच्छे से पक गए हमारे पनीर जो है, सिक गए हैं दोनों तरफ से अच्छे से। आप इसको चाहें थोड़ा सा निकाल सकते हैं सॉल्ट, या फिर आप जो पेपर पाउडर आप इसमें स्प्रिंकल करके आप इसको अलग से एंजॉय भी कर सकते हैं, या फिर घर में बच्चे हैं तो उनको दे सकते हैं, क्योंकि पनीर में प्रोटीन्स होते हैं। पर डिपेंड करता है आपने किस क्वालिटी का प्रोटीन लिया है, मतलब पनीर लिया है तब। तो यहाँ पर देखिए कुछ देर बाद इस तरह से हमारी कैप्सिकम जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ये ऑलमोस्ट पक चुकी है, आपको लगता है तो इसको कवर हटा के आप थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ दीजिए। कढ़ाई हमारी है बहुत टाइम की, जिसकी तली हो गई थोड़ी हल्की, तो उसको बीच बीच में देखना पड़ता है, नहीं तो ये लग जाती है। और आपको उसको निकाल लेना है। यहाँ पे आपने इसमें आप डालने हैं जो पनीर के क्यूब्स हैं वो डालने, गैस को आप चाहें तो बंद कर सकते हैं या फिर इसको हल्की आंच पे चलने दीजिए ताकि मसाले आपके पनीर के साथ भी अच्छे से मिल जाए। अच्छा, लास्ट में आप बोलेंगे पनीर डाला है, वो क्यों डाला है? वो इसलिए डाला है कि इसकी क्रिस्पीनेस जो है वो ख़राब ना हो। अगर कोई मेहमान आ रहा है तो मटर पनीर खा खा के और उसको खिला खिला के आप थक गए हैं, तो एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। हेल्दी भी है, डिलीशियस भी है, और ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसे आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत कम ऑयल का यूज़ हुआ है, तो आपके लिए रेसिपी हेल्दी भी है। पनीर को आप जब सेक रहे हैं तो और कम ऑयल आप ऐड करेंगे तो आप और कम ऑयल कर सकते हैं। यहाँ पे जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है, आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपको फैटी लीवर का इशू है, वो लोग भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं थोड़ा और कम तेल करने के साथ में। बट ये किसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड रेसिपी नहीं है। बस ये रेसिपी रेडी है, एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे इस डिश प्लेट में आपको दिखा देती हूँ कि आपकी रेसिपी कुछ अगर होटल में मिलती है तो किस तरह से मिलेगी। तो ये प्लेटिंग हो गई है आपकी रेसिपी की, और यही प्लेट आपको आप अगर होटल में खाने चाहेंगे तो बहुत कॉस्टली मिलेगी। ये रेसिपी मैंने आपके कर्नाटक के एक होटल में खाई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स ज़बान पे ऐसे हैं कि वो याद थे, तो ये उसी तरह से ये रेसिपी बनाई है मैंने। बहुत डिलीशियस थी वो रेसिपी और ये भी उतनी ही डिलीशियस बनी है। और मैं इसकी दूसरा वर्जन जो है आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और एकदम यूनिक रेसिपी है। आप इसको बनाइए, ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको टेस्ट आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है टेस्ट के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए नई नई रेसिपीज लाते रहेंगे जो कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होंगी, और ये रेसिपी आप बच्चों को भी दे सकते हैं। जनरली शिमला मिर्च वो खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये रेसिपी आप उनको देंगे तो शिमला मिर्च वो हर बार आपसे मांग मांग कर खाएंगे। ये डायलॉग जो है ना मैंने YouTube पर बहुत पढ़ा है, बस याद हो गया इसीलिए मैं आज आपको बोल रही हूँ। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आपको ये रेसिपी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।